केकड़ी थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। युवती ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। केकड़ी थाना क्षेत्र में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पीड़ित युवती ने शनिवार को अजमेर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात करने पहुंची और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी। पीड़ित युवती ने बताया कि 21 जनवरी 2020 को वे अपने पिताजी की दुकान से घर लौट रही थी, तभी केकड़ी के रहने वाले मोहन मीना प्रकाश साहू सुरेंद्र पंडित सहित रौनक साहू ने उसका अपहरण किया और उसे एक महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले की जानकारी पीड़ित युवती ने केकड़ी थाने में दी थी, तो पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि केकड़ी थाने की डिप्टी द्वारा मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, जिसको लेकर वह शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी। जी क्या हुआ था आपके साथ? जी मैं घर जा रही थी रास्ते में मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती करी, मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और मुझे डूंगरपुर से होते हुए मुझे चित्तौड़ में कमरे में बंद रखा करीबन एक महीने तक, और वहाँ मेरे साथ बहुत जबरदस्ती करते। मैं रोती चिल्लाती पर मेरी कोई नहीं सुनता। मैंने बहुत बार बोला मेरे मम्मी पापा से, मेरे को बात कराओ, उनके पास भेजते तो मुझे धमकी देते थे मेरे भाई को कि तेरे भाई को मार देंगे, तेरे भाई के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब इतना डरा धमका के रखते थे वो लोग। थे केकड़ी के तीन थे, एक बिलवाड़े का था सुरेंद्र पंडित, और केकड़ी के थे जो एक तो प्रकाश साहू था, एक रौनक साहू था और एक मोहन मीणा था, ये तीन लोग केकड़ी के थे। मामला दर्ज करा था इन्होंने? हाँ मैंने मामला दर्ज करवाया केकड़ी थाना में, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने हर जगह मेरा बयान दे दिए। मुझे एक महीने तक चित्तौड़ में बंद रखा, बहुत गलत काम किया मेरे साथ और मेरी हालत बहुत खराब कर दी थी इन लोगों ने। ऐसी हालत कर दी थी कि मेरी माँ सामने थी पर पहचान नहीं पाऊँ, ऐसी हालत कर दी थी इन्होंने। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ? पुलिस कहाँ कर रही है, यही तो बात आ रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने कहाँ कहाँ बयान दिए, और सरवर खान जी ने अगर कहीं किसी को लड़की का मैटर होता है तो उसे लेडीज कॉन्स्टेबल देखती है, बस वहाँ केकड़ी थाना के सरवर खान जी ने मेरे ऊपर हाथ तक उठाया। क्यों कार्रवाई करनी चाहिए इसकी बजाय हाथ तक उठाया, जो उन्होंने बोला बयान के अंदर वो मैंने लिखा, तो वही चीज़ बार बार वही चीज़ हर जगह वही चीज़ दिखा रहे वो लोग, और जो मैं बोल रही हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में आपके सामने बोल रही हूँ वो चीज़ नहीं दिखा रहे कहीं पर भी। आज किससे मिलने आए हैं और क्या मांग रहे हैं? आज मैंने भी वही करा, एसपी साहब से मिलने आई तो मैंने भी वही बोला उनको कि भाई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही हूँ, जो मैं तो चुप बैठी हूँ घर में मुँह छुपा के फिर रही हूँ, वो लोग सरेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार करो। तो पुलिस दबाव बना रही है ना, यही तो बात आ रही है कि हमने डिप्टी साहब को सबको बोला पर कोई नहीं सुन रहा है, बस वो सब उनकी कार है कि बालिक होता तो क्या उसके साथ गलत काम हो जाएगा, तो कोई नहीं सुन रहा है हमारे, मुझे तो उनको गिरफ्तार करवाना, मुझे इंसाफ चाहिए बस।